साथ किरण और कुशवुरा भी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग किरण, कुश। अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है स्क्रीन में मामूली प्रॉफिट टेकिंग के बाद, आपको कहां होती हुई नजर आती है? कुश, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय, गुड टू हैव यू बैक। सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग एंड योर स्पॉट ऑन। देखिए, मार्केट्स ने बहुत ही अच्छा रेजिलियंस बताया है। 15700 को जिस तरह से हमने डिफेंड किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज, ये बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही एनकरेजिंग है। इनफैक्ट अभी जो हम डेटा सेटअप देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है कि एक्सपायरी तो शायद एक रेंज में हो सकती है। जैसा हम कुछ दिन पहले बात करते हैं, डिम्पी शायद थोड़ा हताश होंगे कि भाई वो जो हीरो या जीरो वाली ट्रेड होती है ना मिले आज निफ्टी पे, बिकॉज एक्सपायरी है और काफी ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड करते हैं। 15800 के आसपास जहां पे हमने एक यू नो शॉर्ट स्ट्रैडल बनते हुए देखा था यू नो कल और परसों में, ये एक पिवोटल रेंज होगा जहां पे निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि हम 15700 के बेस के आसपास यू नो ओपन होंगे, तो वहां से हम एक अप यू नो अप ट्रेंड देख सकते हैं, एक अप मूव देख सकते हैं 15800-850 के जोन्स तक, तो उस लिहाज से बाय होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग डेटा ये निकल के आ रहा है कि अगले यू नो जो एक्सपायरी की सीरीज है वहां पे हम 16200 का जो रेंज है ये टेस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इज ड्यू फॉर अ शॉर्ट कवरिंग रैली, हम काफी अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से, बट 33000 के आसपास टेक्निकली भी एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकली भी एक सपोर्ट है, पर डेरिवेटिव डेटा भी बता रहा है कि यहां पे एक बेस बन रहा है, तो इसको हम एक लेवल बना के, इसको एक स्टॉप लॉस बना के 34000 के लिए बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं, बट दिस इज फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। आज 33500-33600 के जो जोन्स, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। तो इन कुछ पॉइंट्स के कारण निफ्टी पे मेरा बाय कॉल है। यहाँ जो टारगेट है ये थोड़ा कम ही है 15850 का, बट दैट इज स्टिल 100 पॉइंट्स अवे जो SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है उससे। 15700 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, बैंक निफ्टी में 33600 का टारगेट और 33000 का स्टॉप लॉस आप लेके आज दोनों इंडिसीज को, जो ये हम नेगेटिव ओपनिंग देख रहे हैं SGX निफ्टी के हिसाब से, उसमें लॉन्ग कर सकते हैं। Okay, तो चलिए कुश की तरफ से स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी खरीदारी की बनती है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पर भी आप शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुश, और निफ्टी पर तो खरीदारी के मौके बनते हुए दिख ही रहे हैं। जेनिम ब्रोकिंग से किरण जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। जानकारों का पुल जब हमने कराया 15800 से 15950, इस दायरे को ज्यादातर जानकार मानते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई इस रेंज में होती नजर आ सकती है, और बैंक निफ्टी में भी 33400 से 33600 के बीच। आप इंडेक्सेस को कैसे देख रहे हैं कल के वॉलेटाइल सेशन के बाद, आज की शुरुआत मंथली एक्सपायरी के दिन कैसी होगी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओवरऑल जिस तरह का सबका पोल है उसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि जनरली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जून एक्सपायरी जो होती है वो मई एक्सपायरी से 1-1.5% ऊपर या नीचे होती है। अगर उस लिहाज से आप देखोगे तो मई एक्सपायरी 16010 या 16013 के आसपास आई थी, वहां से अगर हम 1-1.5% काउंट करें तो एग्जैक्टली यही लेवल पे मार्केट एक्सपायरी हो ऐसा लग रहा है। सो ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि 15800 से 900 या तो 950 के बीच में एक्सपायरी आएगी कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल डेटा। अब लेकिन इस महीने का या तो अभी फिलहाल जो डेटा बन रहा है उसके ऊपर एक चीज अजय सर ने बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट की कि लास्ट 3 दिन से FII का जो कैश मार्केट में सेलिंग है वो कंटिन्यू ट्रेंड डाउन है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन डेरिवेटिव साइड अगर हम देखें तो 18000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे से FII ने निकाल के गए, मतलब वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है हमें, और शॉर्ट साइड पे अगर हम देखें तो 11000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स के अंदर एडिशन हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर ऑप्शन डेटा की हम बात करें तो FII ने कॉल साइड के ऊपर 31 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं, और जहां कॉल शॉर्ट की मैं बात करूं सो FII ने 4000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किए, तो ये कहीं ना कहीं जो अभी बात कर रहे थे हीरो जीरो वाली, सो ये शायद थोड़ा बहुत मूव हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिले क्योंकि FII नेट नेट कॉल साइड के ऊपर लॉन्ग करके गए 31000 कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मैं टेक्निकली बात करूं सो प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 15650 से 15700 का एक इंपॉर्टेंट जोन था, कल भी हमने देखा कि वहीं से रिबाउंड आया, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि कल का जो लो है वो आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कोई भी अगर गिरावट आती है तो आई थिंक के वहां पे हमें बाई करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी 15650 से 15080 के बीच में अगर कोई भी लो बनता है, इनफैक्ट आप थोड़ा उसको रिस्क अगर थोड़ा कम करना चाहते हो तो 15600 तक आप वेट कर सकते हो, कोई भी डिप आता है तो आप लॉन्ग करके चलिए। 15540 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है हमारा एंड देर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 15900-950 तक के टारगेट निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर फ्रंट पैटर्न है थोड़ा, लेकिन हम देखें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म
दिखा सकता है अनटिल एंड अनलेस हमारा कंडीशनल बाय है कि 33,400 जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता, जो कल का भी हाई था, तब तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कल भी हमने देखा था 33,500 के कॉल राइटर्स जो थे वो काफी अग्रेसिव थे। अभी भी हम देखें तो 85,000 लॉट वहां पे होल्ड है, और पुट राइटर की बात करें तो पुट राइटर्स कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे 33,500 के ऊपर। सो बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा कंडीशनल बाय रहेगा, जब तक 33,400 आज के दिन में क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, जैसे ही क्रॉस करता है लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है 33,400 के ऊपर, जहां हम 34,000 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पर अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा, वहां कंडीशनल बाय, लेकिन निफ्टी पर बाय है। इसके अलावा संतोष मीना भी हमारे साथ है, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो इस वक्त बाजार पर क्या रीडिंग रख रहे हैं। संतोष गुड मॉर्निंग, आप देख कैसे देख रहे हैं ग्लोबल क्यूज के साथ किस तरह से टैंडम आज चाल दिख रही है, आपको भी लगता है शॉर्ट कवरिंग अबाउट होगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट की बात करें, निफ्टी कुछ दिनों से 20-day मूविंग एवरेज अटक रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली लोअर लेवल से स्पेशली 15,700 के आसपास से अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। कल जिस हिसाब के ग्लोबल क्यूज थे, जिस हिसाब के रूपी में वीकनेस देखने को मिल रही थी, उसके बावजूद भी 15,700 के आसपास एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया था। तो ये दिखा रहा है कि लोअर लेवल से अब सेलिंग एग्जॉशन होते दिख रहा है, एफआईएस की भी सेलिंग कम होते दिख रही, तो यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश जरूर बनती है। तो जब तक 15,700 होल्ड है बाइंग की सलाह रहेगी, तो यहाँ 15,675 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, ऊपर 15,900 जैसे ही क्रॉस होता है 16,050 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रूपी वीकनेस, बट 33,200 से 33,000 का एरिया इसको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और ओवर द नाइट क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है, तो शायद यहाँ भी एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बनती है। ऊपर की ओर 33,600 से 900 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 36,900 क्रॉस करता है तो फिर हमको 34,500 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही अच्छे पर है और लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ एक रिस्की है बट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बाइंग की सलाह ही रहेगी। तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज शॉर्ट कवरिंग नजर आती हुई दिख सकती है। इंडेक्स पर नजर या जानकारों का पोल